हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के, वो इंटरनेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं, उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, भारत को जो है कोविड प्रदर्शन सूचकांक में जो है 86वां स्थान मिला है, और न्यूजीलैंड जो है सबसे ऊपर है लोवी संस्थान के अनुसार। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स डीकंस्ट्रक्टिंग पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस के अनुसार 24.3 के स्कोर के साथ जो है भारत को महामारी से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया के आधार पर 98 में से 86 देशों में स्थान दिया गया था, और वियतनाम और ताइवान के बाद जो है न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, और सूचकांक 9 जनवरी 2021 तक जो है सार्वजनिक उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है, और परीक्षण पर जो है सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों की कमी के कारण चीन को जो है रैंकिंग से बाहर रखा गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने जो है अभी 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO के नवीनतम विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार जो है COVID-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए जो है लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन के प्रतिकूल होने के कारण जो है साल 2020 रिकॉर्ड पर जो है सबसे खराब साल था, और दुनिया में जो है 74% की वैश्विक पर्यटन गिरावट देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 की तुलना में जो है 1 बिलियन कम अंतरराष्ट्रीय आगमन हुआ। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अपस्किलिंग में निवेश से 2030 तक जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद US $6.5 trillion को जो है बढ़ावा देने की क्षमता WEF रिपोर्ट के अनुसार। तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC के सहयोग से जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी अपस्किलिंग फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी January 2021 रिपोर्ट के अनुसार जो है अपस्किलिंग में जो है निवेश 2030 तक ग्लोबल GDP को जो है 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है, और ये भी जोड़ सकता है कि इसमें जो है 2030 तक जो है भारत के GDP को 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर चालीस लाख करोड़ तक जो है बढ़ाने की क्षमता है, और अपस्किलिंग में जो है 2030 तक जो है 5.3 मिलियन नई नौकरियां सृजित करने की क्षमता है, और ये जो है अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था में मदद करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है भारत 53 रैंक पर फिसल गया है, इंडेक्स में जो है नॉर्वे सबसे ऊपर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार सिविल लिबर्टीज में गिरावट के कारण 6.61 के स्कोर के साथ जो है भारत 2 स्थान गिरकर 53rd रैंक, जो कि 167 देशों में से जो है 53rd रैंक पर आ गया है, और नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन के बाद जो है सूचकांक में सबसे ऊपर है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने से भारत एशिया और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो है 2020 में नागरिक स्वतंत्रता में और गिरावट आई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, COVID-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में जो है 39 बिलियन से इन स्कूल भोजन छूट गए हैं, यूनिसेफ
की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी 28 जनवरी 2021 को यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोसेंटी एंड द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने जो है एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका टाइटल है COVID-19 मिसिंग मोर देन क्लासरूम, स्कूल के बच्चों के पोषण पर प्रभाव। जो बताता है कि COVID-19 महामारी के दौरान स्कूलों को बंद करने के कारण जो है 39 बिलियन से अधिक स्कूली भोजन छूट गए थे, और विषय खाद्य कार्यक्रम WFP के अनुसार जो है 2019 तक जो है स्कूल फंडिंग कार्यक्रमों में लाभार्थियों की सबसे बड़ी संख्या लाखों में भारत लगभग 100, ब्राज़ील 48, चीन 44, दक्षिण अफ्रीका 9, नाइजीरिया 9 में है। और ये देखा गया है कि भारत की मध्याह्न भोजन योजना MDMS ने जो है बच्चों में कैलोरी की कमी को 30% तक कम कर दिया है। और अभी यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ इसका कार्यकारी निदेशक हेनरिटा हॉल्समैन फोर है, और इसका जो ऑफिस जो है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।